मैंने एक दफा स्टोन साहब से कहा, मैंने कहा देखिए जब कोई पढ़ने वाला नहीं है तो उन दिनों मैं कहाँ से चेक हासिल करूँ, तो कहने के अनएम्प्लॉयमेंट से चेक हासिल करें। मैं पहुँच गया वहाँ, तो उन खातून ने मेरी जो क्वार्टरली वेजेस थी ना उनका हिसाब किताब लगाया और कहा कि आपको $32 जो है ना महीने के वो मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा इतनी बड़ी रकम जो है उसके लिए तो फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी दीजिए आप मुझे। तो अच्छा वो कर लीजिए, अच्छा तो आप ये तंज कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ फिलहाल तो तंज ही हाजिर है। तो कहने लगी नहीं मैं आपको भेजूंगी न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर। मैंने कहा वहाँ मेरा क्या काम है। तो कहें आपको नौकरी मिल जाएगी वहाँ, आप जाइए बस। तो खैर मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ जो जनरल मैनेजर थे ना वो बड़े अच्छे आदमी थे, मिस्टर ली मिलर। तो कहने लगे कि ये एक फॉर्म है ना ये आप फिल आउट कीजिए, तो हम अंदाज़ा करेंगे कि आप को इंश्योरेंस के काम से कोई दिलचस्पी है कि नहीं है। तो उसमें जिस किस्म के सवाल थे ना, मिसाल के तौर पर एक सवाल मुझे बहुत याद आता है कि आप शाम को अपनी फैमिली में वक्त गुजारना पसंद करते हैं या फैमिली से बाहर अगर कोई काम हो तो वो करना पसंद करते हैं। तो मैंने लिखा कि फैमिली में। तो फिर ये पूछा गया कि आपको सेलिंग का कोई तजुर्बा है, तो मैंने लिखा कि कुछ भी नहीं। तमाम जितने भी सब नेगेटिव किस्म के जवाब थे। तो वो फिर एक और असिस्टेंट थे उनके मिस्टर रे किजले, वो उन्होंने मेरा वो सब पढ़ा और मुझे टेलीफोन किया घर पे, मिस्टर नगामी दिस इज़ माय ड्यूटी टू डिस्करेज यू एंड दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू विल नेवर एंजॉय सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, तो सॉरी मगर ये आपके लिए काम नहीं है। अच्छा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे उसका उनका ये कहना नागवार बहुत गुजरा। तो मैंने कहा कि बट आई हैव अ रियल बर्निंग डिज़ायर टू सेल लाइफ इंश्योरेंस। तो वो कहने लगे कि अच्छा आप मिलें, आप दफ्तर आके मिलें। दफ्तर में गया तो मैंने कहा कि यू हैव टोल्ड मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यू दैट इन अमेरिका फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट ऑल ओवर अमेरिका इन 50 स्टेट्स देयर आर 2000 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, सो आई हैव मेड अप माई माइंड टू गेट सम जॉब विद एनी इंश्योरेंस कंपनी बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ दिस इज द गेम ऑफ नंबर्स। आई मीन आई विल ट्राई eventually some insurance company would hire me and you will be a loser. Acha to usko taav aa gaya, usne kaha no I don't want to be a loser, why should I be a loser. To maine kaha then why don't you hire me. To wo kehne laga ke acha aisa kare, aap jo insurance ka imtihan hai wo aap pass karke dikha de, लाइसेंस एग्ज़ाम होता है ना, और वो बड़ा टफ होता है। और पहली मर्तबा में तो जो यहाँ के रेगुलर अमेरिकन हैं ना वो भी फेल हो जाते हैं। तो जिस दिन आप पास हो जाएंगे मैं आपको हायर कर लूँगा, ये आपसे डील है। राणा साहब मैंने पहली मर्तबा पास कर लिया और उसका तरीका सिर्फ ये था कि जो उन्होंने मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी मैंने उन किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा कर डाला। अच्छा अब जब जो आदमी तर्जुमा करेगा ना तो वो तो
तो समझिएगा कि क्या क्या सवाल है, क्या जवाब है। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मैं पहली ही मर्तबा में पास हो गया। तो वो रेख ले हैरान बिल्कुल। उसने कहा आप तो कोई चारा बाकी नहीं रहा आपको हायर करने के सिवा, और क्योंकि मैं आपको वर्ड ऑफ आनर दे चुका हूँ। तो मगर एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप हर महीने 10 इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बेच दें तो फिर आप इस काम में रहेंगे। तो मैंने कहा 10 तो कोई बात ही नहीं। तो कैसे नहीं, 10 दे है ना, ये बहुत ही टफ काम है। फिर मुझे ले गया एक कमरे में, वहाँ लिखा था एक फ्रेम के ऊपर 10 अ मंथ क्लब। हाँ, जो जो लोग जिन्होंने हर महीने में देखते थे ना कि किसने 10 पॉलिसियाँ लिख ली, तो उनकी तस्वीरें लगा देते थे। तो कहने लगे कि देखें ये वो लोग हैं कामयाब जिन्होंने 10 पॉलिसियाँ लिखी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगले महीने मेरी तस्वीर यहाँ होगी। और कहने हम ब्रेकफास्ट भी देते हैं ऐसे लोगों को होटल में सुबह के वक्त। तो मैंने कहा ठीक है। बस ये ऐसी बात होती ना कि वो वक्त ऐसा था कि चैलेंज कबूल करने का, और कोई मुनासिबत बिल्कुल न थी ना आज भी है, आज भी नहीं है बिल्कुल। अब कोई मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल को रहा हूँ। सर्वाइवल का था मसला। तो मैंने जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरी तस्वीर वहाँ ना लगी होती हर महीने। हाँ, और कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुझे ब्रेकफास्ट ना मिला हो। यहाँ तक कि वो जनरल मैनेजर हंसता था, वो कहता था कि देखो इस शख्स ने इसकी कुर्सी तक के मखसूस हो चुकी है। ये इसी कुर्सी पे बैठ कर ब्रेकफास्ट कर। अच्छा, तो उसके बाद राणा साहब, जो ये तो खैर कंपनी की बात थी ना, न्यूयॉर्क लाइफ की, उसके अलावा ये हुआ कि जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है $1 million राउंड टेबल। तो वो एक इंटरनेशनल आनर होता है। मैंने $1 million राउंड टेबल जो है ना, वो जब मुझे एक दफ़ा मिला है ना, उसके बाद कभी स्किप नहीं हुआ, हमेशा $1 million राउंड टेबल। और लोग कहते थे ये क्या, ये वही शख्स है जो शायर था, जो अदीब था, ये था। मैंने कहा नहीं, अब मैं सबसे पहले अपना और अपने बच्चों का परमानेंट इंतज़ाम करूँगा। तो बस देखिए कि अल्लाह ताला का एहसान है कि पेंशन वहाँ से मुझे मिली। 20 साल की नौकरी मैंने की और उसी इंश्योरेंस की कमाई से ये मकान है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और एक ठीक ठाक प्रिटी डिसेंट इनकम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस की पेंशन से है, और सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है। मैंने लाइफ इंश्योरेंस का काम शुरू किया। तो ये हुआ कि जैसे मिसाल के तौर पर मैं सोचता था मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। तब मुझे ये ख्याल आया कि ये जो वाइट पेजेस हैं टेलीफोन डायरेक्टरी की, इसमें किसी का नाम अहमद ज़रूर होगा, किसी का नाम मोहम्मद ज़रूर होगा, कोई हसन और हुसैन ज़रूर होगा, कोई सिद्दीकी होगा, कोई फारूकी होगा, कोई राणा होगा, कोई राजपूत होगा, कोई ठाकुर होगा। तो इन लोगों के नाम मैं तलाश करने लगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिन मैंने टेलीफोन किया, एक खातून ने टेलीफोन उठाया। तो कहने लगे कि कौन सा बोल रहे हैं? तो मैंने कहा अबुल हसन नकवी जी। नहीं, वो तो लाहौर में होते हैं बच्चों के प्रोग्राम में, ये उन्होंने कहा। तो मैंने कहा मैं वही हूँ।
नहीं नहीं आप वो कैसे हो सकते हैं जी, आप तो इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बात करने के दौरान ही मैं कहा नहीं आप वही हैं, अब मैं आपकी आवाज़ पहचान रही हूँ। उन्होंने आपको सुना हुआ था? हाँ हाँ उन्होंने सुना था। अब मैं आपको आपको पहचान गई हूँ, तो आप हमारे यहाँ कब आ रहे हैं? तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे। अच्छा तो शाम को आ जाइए, और वो भी घर में होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं शाम को पहुंचा। इस कदर यानी ये जो मरहला होता है ना, डोर ओपनिंग फॉर एन एजेंट, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अब टेलीफोन आते हैं ना मुझे जी, तो मुझे अंदाज़ा होता है, मतलब लोग जो है ना वो अपने इंश्योरेंस के एजेंट जो है ना उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, उनको वेलकम नहीं करते। तो ये जो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था कि ये पाकिस्तानी बिरादरी जो थी इसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और मैं बहुत ही ममनून हूँ इस बिरादरी का, जिसने मुझे हाथों हाथ लिया, सर आँखों पर बिठाया। ये बात जो है ना ये किसी और को मैसर नहीं थी, तो इन्हीं लोगों ने मुझे मिलियन डॉलर राउंड तक पहुंचाया। ऐसा था कि जब मुझे पेंशन मिल गई न्यूयॉर्क लाइफ से, ये किस सन की बात है? ये सन 2005 की बात है। तो जब मुझे पेंशन मिल गई तो मेरे दोस्त थे किफ़ायत रहमानी साहब, वो बस बकसरत कहने लगे यार अच्छा जो उनको भी पेंशन मिल गई और वो भी फारिग तो मैं भी फारिग। तो वो कुछ वहाँ की जो महल्ले की मस्जिद थी ना उसके मामलात में थे बहुत ज़्यादा, मस्जिद बनवाना और मस्जिद के लिए लोटे खरीदना और तो लेकिन उनको लोगों ने सताया बहुत। वो जैसा कि कायदा है ना कि जब मस्जिद बन जाए ना तो फिर जो जो बनाने वाला है ना उसको निकाल बाहर करते हैं। उनके साथ भी वही हुआ? हाँ उनके साथ भी वही हुआ। तो वो बहुत ही ठीक, कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए, मस्जिद तो निकल गई हाथ से, कुछ अच्छा। करना चाहिए। तो वो कहने लगे कि यार नवमी साहब कोई मुशारा करो। अच्छा तो मैंने कहा कि नहीं भाई मैं इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता, अब मुझे पेंशन मिल गई है और मैं नहायत सुकून के साथ एक कोने में बैठ के सिर्फ किताबें लिखना चाहता हूँ। नहीं 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 ये तो कोई बात नहीं है, ये भी है कि मैं मुशारा करो। तो मैंने कहा अच्छा। तो खैर मुशारे को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता था और ना आज समझता हूँ। मैंने कहा कि मैं मुशारा तो नहीं होने दूँगा, लेकिन एक अंजुमन बनानी चाहिए जी। कि जिसमें लोग जमा हों जी। और कोई अफसाना पढ़े, कोई अपना सफ़रनामा पढ़े जी। कोई अपनी गज़ल सुनाए, कोई नज़्म सुनाए, उस पर तनकीद हो, उस पर गुफ्तगू हो जी। तो कहने हाँ चलो ये भी ये कर लो, ये तो अच्छा है जी। कि रहमानी साहब ने कहा। तो फिर उन्होंने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाई, उनको मीटिंग बुलाने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो घर पे मीटिंग बुलाई तो एक वो थे, एक मैं था और एक और कोई बुज़ुर्ग थे, जो थे तो ऑटो मैकेनिक अच्छा। लेकिन उनकी लंबी दाढ़ी थी ठीक। और वो मस्जिद ही के आदमी थे ठीक। जो उस ज़माने में किफ़ायत रहमानी के साथ थे मस्जिद कमेटी में, उनको बुला लिया उन्होंने। तो वो जितनी देर बैठे रहे वो यही पूछते थे वजू करने की जगह कहाँ होगी, सफ़ें कहाँ बिछाई जाएंगी, नमाज कैसे होगी। मैंने कहा देखो यार ये क्या समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। खैर वो मुझे अच्छी तरह याद है कि रहमानी साहब ने ये कहा कि मुझको तो आप सदर बना दें। मैंने कहा आप तो बने बनाए सदर हैं, आप वो भी कोई पूछने वाली बात है, आप तो सदर हैं है। चलिए वो सदर हो गए। उसके बाद मैंने कहा कि एक खातून हैं
आबिदा रिपली, वो बहुत ही उनको तजुर्बा है, बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, दो मरतबा तो पीएचडी की है उन्होंने, हाँ, और बड़ी लायक खातून हैं और शेर व अदब से उनका ताल्लुक़ है, कहीं उनको बुला लीजिए। उनको बुला लिया तो उसके बाद फिर थोड़ी बहुत कोशिशें करके तो पहला इजलास हमने किया। मैंने उसका नाम रखा, बल मैंने क्या रखा, आबिदा ने रखा हल्का अरबाब ज़ौक़, क्योंकि चंद साल पहले फाल चर्च में उन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ के नाम से एक अंजुमन बनाई थी आबिदा ने, और उसमें मैं भी शामिल था, उसमें इजहार काजमी, शादा काजमी ये सब लोग थे और हमारे माहाना इजलास हुआ करते थे, तो वो टूट गया सब सिलसिला किसी वजह से, तो लंबा गैप आ चुका था। तो मैंने कहा कि हल्के अरबाब ज़ौक़ नाम ठीक रहेगा, और ये पहले मौजूद भी था, तो ये जो थी आबिदा, ये इन्होंने अच्छा खासा काम संभाल लिया था। उसके बाद खासा कामयाबी से सब चल रहा था, एक साहब उसमें शामिल हुए जिनका नाम था क़िदवाई, शुएब क़िदवाई, मुझे वफात पा गए, वफात पा गए। तो मैंने थोड़े ही दिनों में महसूस किया कि वो, मतलब मैं बहसियत जनरल सेक्रेटरी के सारे इंतज़ाम कर रहा था और मेरी मुआविन जो थी वो आबिदा थी। तो ये ऐसा हुआ कि मैंने महसूस किया कि वो भी साथ साथ एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं या पैरेलल मैनेजमेंट चला रहे हैं। इसका अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब उन्होंने मुझे कहीं से मालूम हुआ कि इन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला को इनवाइट किया है एक इजलास में आने के लिए कहा है। तो डॉक्टर अब्दुल्ला मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और आज तक हमेशा थे और आज भी हैं, कोई फ़र्क नहीं आया कभी। तो मैंने कहा कि आपने मुझसे पूछे बगैर ही बाला डॉक्टर अब्दुल्ला को बुला लिया है। नहीं, कोई नहीं, ऐसे ही कैजुअली बात हुई थी। तो मैंने कहा मगर वो तो आ रहे हैं ना अगले। अरे साहब कौन आता है, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही कह दिया है। मतलब वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने उनसे बात पक्की कर ली है। और फिर अब्दुल्ला साहब आए तो उनके आने की मुझे बहुत खुशी हुई, मगर ये अजीब सा लगा कि मुझसे पूछे बगैर ही सारी। और फिर वो पता ये चला कि बराबर वो अपनी किस्म की बातें और मेरे कामों पर हद से ज़्यादा तनकीद और नुक्ताचीनी। मुझे इस किस्म की आदत न थी न है कि अगर मैं काम करूँगा ना तो मैक्सिमम अटानमी के साथ काम करूँगा, और मुझे दस दर माकूलात ये इस तरह की बातें पसंद नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं आया करूँगा, और ये भी सिर्फ ये नहीं कि मैं नहीं आया करूँगा, बल्कि मैं आइंदा 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी अंजुमन बना लूँगा। तो मैंने अपनी अंजुमन बना ली, अंजुमन अदब उर्दू, सोसाइटी ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाकायदगी से, हाँ जी, 1:29 पर मुशारे जो है ना, वो मुशारे जो हैं वो एंटरटेनमेंट हैं, इसलिए मैं
मुझे पसंद नहीं है कि उसमें हर कसो नाकश जो भी है ना वो तरन्नुम के ज़ोर से मकबूल होना चाहते हैं और या तहतुल्लफ से तहतुल्लफ के पढ़ने के अंदाज से मकबूल होना चाहते हैं। और ये ऐसा है कि जैसे कि किसी ने कोई गज़ल पढ़ी है ना तो अगर उस पर कोई गुफ्तगू करना चाहे तो उसका कोई मौका ही नहीं है। तनकीदी या तकरीजी के अप्रिसिएशन हो या कोई उम्दा बात कही जाए और फिर ये कि सिर्फ नज़्म क्यों, मुशारा जो है वो तो नज़्म है ना, तो नसरी अदब जो है उसकी तख्लीक का कोई मौका मुशारे में नहीं हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नसरी अदब की तख्लीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमारे यहाँ शेरी मजमूए दिन रात छपते रहते हैं और नसर का काम जो है वो उतने ज़ोर शोर से या उतने पैमाने पर नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़बानें हैं ना वो अपने नसरी अदब की वजह से ज़्यादा मुस्तहकम होती हैं। और मैं ये भी कह चुका हूँ एक दफ़ा कि अब मुझे सालिक साहब याद आ गए, वो कहने वो ये कहा करते थे कि आजकल लाहौर में और पंजाब में पंजाबी की बातें बहुत हो रही हैं कि पंजाबी में पंजाबी अदब जो है उसकी भी तरवीज और तख्लीक होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं जब इन लोगों से ये कहता हूँ कि पंजाबी में नसर लिखो तो ये लोग भाग खड़े होते हैं। तो नसर जो है वो लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है, नज़में बहुत कही जा रही हैं, गज़लें बहुत कही जा रही हैं पंजाबी में। तो वो मुझसे कहने लगे एक दिन कि देखो अरबी ज़बान और अरबी लिटरेचर में कुरान मजीद नसर की पहली किताब है, तो इसलिए भी लोग मुतवज्जे हो गए थे कि ये क्या है, ये तो नज़्म नहीं है। तो जब मुतवज्जे हुए तो ज़ाहिर है, और ये मतलब कहते ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, बल्कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही थी कि कुरान नसर में नाजिल हो और लोग इस पर तवज्जो दें। तो वो कहते हैं कि जो बोली है और लैंग्वेज और डायलेक्ट में फ़र्क यही है कि डायलेक्ट जो है उसमें नज़में हैं, बस लोकगीत हैं, दास्तानें हैं, सस्ती पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महवाल, ये सब नज़में हैं। नसर की किताब कौन सी लिखी गई है? तो लेकिन अभी तक पंजाबी में कोई आला दर्जे का नावल नहीं लिखा गया, कोई आला दर्जे की तनकीदी किताब नहीं आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि नसरी अदब जो है उसकी तरवीज की ज़रूरत है। हम मुखालिफ समथी पे जा रहे हैं और जिस रुख पे जा रहे हैं ना वो हमें पीछे धकेलने के लिए पानी का रेला आता है और उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारा ख़्याल ये है कि सिर्फ एक बात कि इस बात को अगर अच्छी तरह समझ लिया जाए कि बाइलिंगुअल बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बिल्कुल साइंटिफिकली लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, क्लिनिक के अंदर बाकायदा तजुर्बा करके देख लिया गया कि जो बच्चे बाइलिंगुअल हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं। और वो समझ में भी आता है कि कितनी जल्दी जल्दी वो स्विच ओवर करते हैं कि अभी अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, अभी उर्दू में बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जहन तो शार्प होगा ज़रूर। और यहाँ टाइम मैगज़ीन में सेंट्रल पेज पर एक रिसर्च वर्क छपा था बहुत तफसील से, उसमें बताया गया था, बाकायदा भेजे की तस्वीर बनी हुई थी और उसमें बताया गया था कि जो बच्चे बाइलिंगुअल हैं वो ज़्यादा शार्प हैं और ज़्यादा ज़हीन हैं। तो जब इतना बड़ा फ़ायदा है तो क्या हमारे पाकिस्तानी वालदैन इतना नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को बाइलिंगुअल बनने दें? जो
मेरी नवासी की बेटी है, उसका नाम है इनाया जी। वो अभी 3 साल की है, 3 साल और चंद महीनों की। उसको ये मालूम है कि उसका जो नाना है, नहीं दादा, उसका जो दादा है वो अंग्रेज़ी बोलता है और उसकी दादी जो है वो उर्दू बोलती है। वो बैक वक्त दोनों को भुगताती है। हाँ, यानी दादा जो है उर्दू भी बोले उसके साथ अंग्रेज़ी बोले, वो अंग्रेज़ी में जवाब देती है। उसका उसका माइंड फिक्स हो चुका है, ये सब जो है ये इंग्लिश जानता है, इसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये जो मेरी दादी है ना ये उर्दू समझती है तो इससे उर्दू में बोलना चाहिए। इत्तलात आ रही हैं दूर दूर से और ख़बरें मिल रही हैं। यहाँ भी मेरीलैंड में एक खातून ने स्कूल खोला है उर्दू का, और उसमें आपको आपकी दिलचस्पी के लिए ये भी बताते चलें कि बांग्लादेश के खातून जो हैं, यानी ये ज़बान ही की वजह से तो अलग हुए थे ना, लेकिन उनकी जो एक बच्चे की वालिदा हैं वो ख़ुद बंगाली हैं, अपने बच्चे को उर्दू पढ़ने के लिए भेजती हैं जी। हाँ, तो पता ही चला कि दिल की गहराइयों में उर्दू का मकाम अभी है वहाँ। देखिए, रोज़ बरोज़ हालात बेहतर हो रहे हैं। मुझे यहाँ रहते हुए 44 बरस हो गए, तो 44 बरस पहले यहाँ क्या हाल था और अब क्या हाल है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाने लगी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, टेक्सास यूनिवर्सिटी में, मेडिसन यूनिवर्सिटी में, और न्यूयॉर्क में उर्दू की बाकायदा क्लासेस हो रही हैं, और उर्दू पढ़ने वाले जो हैं उनकी हौसला अफजाई हो रही है। जब यहाँ आया था तो उर्दू का कोई नामो निशान नहीं था, अब न्यूयॉर्क से 17 अखबार उर्दू में निकल रहे हैं, कैलिफोर्निया से उर्दू में अखबार निकल रहे हैं, टेक्सास से उर्दू अखबार और रिसाले निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशगवार बात जो है वो ये है कि यहाँ पाकिस्तानी चैनल्स देखी जा रही हैं, उनकी ड्रामा सीरीज जो है ना, वो जब उनके शुरू होने का वक्त होता है तो सब लोग काम छोड़ के टीवी के गिर्द बैठ जाते हैं। तो मैं देख रहा हूँ बतदरीज उर्दू जो है वो अपना मकाम बना रही है। जो ज़बान मीर गालिब बोलते थे वो अब नहीं बोली जाती है, और जो ज़बान हम बोल रहे हैं वो आइंदा 25 साल के बाद नहीं बोली जाएगी। तो जब मीर तकी मीर कहता है ना, मैं भी कभू किसू का सरे पर गुरूर था, हैं, तो ये कभू और किसू जो है ख़त्म हो गया। तो ये उर्दू में तब्दीलियां आ रही हैं, और वो जो तब्दीलियां हैं ना, मैं बाकायदा देखता हूँ कि नए नए मुहावरे बन रहे हैं, नई नई शक्लें बन रही हैं, और मैं दिली दिल में खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि हाँ, ये मुझसे अगर कहा जाए कि तुम ऐसी उर्दू बोलो तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपनी ही उर्दू बोलूँगा, लेकिन मैं भड़कता नहीं हूँ, न भिदकता हूँ कि ठीक है चलो कुछ भी सही है। तो उर्दू जो है वो अपनी नई नई शक्लें बनाती रही है, तो बनाएगी। मैंने सुना है न्यूयॉर्क में कुछ लोग हैं जो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, और वो नौजवान लड़कों की सलाह करते हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। उनमें एक साहब है जिनका नाम मामून ऐमन है, तो वो इल्मे उरूस के बड़े माहिर हैं। एक और साहब हैं जो गालिबन टेक्सास में रहते हैं, उनका नाम है नक्शबंद नकवी, वो भी बड़े उस्ताद हैं।
तो ये भी काम जो है ना ये चल पड़ा है और हो रहा है। वो उसका नाम है दास्तान जारी है। और जो आज आपसे मेरी गुफ्तगू रही है ना, उसका बेशतर हिस्सा उस किताब में आ रहा है। दास्तान जारी है एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो तने तनहा पाकिस्तान में दाखिल हुआ वाघा बॉर्डर से लाहौर में, और लाहौर में 22 साल तक रहा और फिर वहाँ से रुख्सत होकर अमरीका आया। तो जहाँ पर वो हवाई जहाज जो है वो परवाज कर रहा है अमरीका की तरफ, वो उसका आखिरी सफ़ा है। ये उर्दू से मोहब्बत करने वालों की अंजुमन है और इसमें जनूबी एशिया के सब मुल्कों के लोग शामिल हैं और इसमें हिंदुस्तान के लोग शामिल हैं, हिंदुस्तान के शुआरा और अदबा इसमें शामिल हैं, इसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं और इसमें वाइट अमेरिकन्स तक शामिल हैं। आपने देखे होंगे उनको, ब्रायन सिल्वर साहब इसमें शामिल हैं, इसमें जॉन हैंसन साहब शामिल हैं और बहुत से अमरीकी लोग हैं और जो भी उर्दू और उर्दू ज़बान और अदब से जिसका कोई ताल्लुक़ है ना, वो यहाँ इस अंजुमन के दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले रहेंगे।